उत्तर पूर्वी दिल्ली से हमारी कांग्रेस पार्टी के नौजवान उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार जी, और आज हमने इनके समर्थन में देवेंद्र यादव जी हम सब ने मिलकर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी है। अब समय कम रहा है, लेकिन आज जो उत्साह लिखा मुझे हमारे पदाधिकारियों के अंदर, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के अंदर, वो बड़ा संतोषजनक है। अगले 9-10 दिन तक लगातार हमारी पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, और मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं है कि इस सीट पर, इसके अलावा बाकी जो 6 सीटें हैं, लगातार हमारे उम्मीदवार गठबंधन के आगे बढ़ रहे हैं, कि यहाँ पर भारी बहुमत के साथ कन्हैया जी चुनाव जीतेंगे। ऐसा मैं मानता हूँ कि प्रत्येक नौजवान, हर वर्ग, हर मजहब के लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और हम पार्टी ने बड़ा सोच समझ कर इनको उम्मीदवार बनाया है। उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा, गठबंधन को मिलेगा, और जो देश में परिवर्तन की धीमी धीमी हवा चल रही है वो गति पकड़ती जा रही है। 4 चरणों के बाद भाजपा दावे कुछ भी करे, लेकिन इंडिया और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा पिछड़ रही है, इसीलिए उनके वक्तव्य जो हैं अब अलग अलग तरह के आ रहे हैं। पहले 300-400 के पार की बात करते थे, अब वो कांग्रेस को, कांग्रेस के इतिहास को, हमारे मैनिफेस्टो को बार बार टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ घबराहट का एहसास उनके जहन में है, लेकिन जनता हमारे साथ है और बहुमत के साथ हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से हमारी कांग्रेस पार्टी के नौजवान उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार जी, और आज हमने इनके समर्थन में देवेंद्र यादव जी हम सब ने मिलकर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी है। अब समय कम रहा है, लेकिन आज जो उत्साह लिखा मुझे हमारे पदाधिकारियों के अंदर, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के अंदर, वो बड़ा संतोषजनक है। अगले 9-10 दिन तक लगातार हमारी पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, और मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं है कि इस सीट पर, इसके अलावा बाकी जो 6 सीटें हैं, लगातार हमारे उम्मीदवार गठबंधन के आगे बढ़ रहे हैं, कि यहाँ पर भारी बहुमत के साथ कन्हैया जी चुनाव जीतेंगे। ऐसा मैं मानता हूँ कि प्रत्येक नौजवान, हर वर्ग, हर मजहब के लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और हम पार्टी ने बड़ा सोच समझ कर इनको उम्मीदवार बनाया है। उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा, गठबंधन को मिलेगा, और जो देश में परिवर्तन की धीमी धीमी हवा चल रही है वो गति पकड़ती जा रही है। 4 चरणों के बाद भाजपा दावे कुछ भी करे, लेकिन इंडिया और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा पिछड़ रही है, इसीलिए उनके वक्तव्य जो हैं अब अलग अलग तरह के आ रहे हैं। पहले 300-400 के पार की बात करते थे, अब वो कांग्रेस को, कांग्रेस के इतिहास को, हमारे मैनिफेस्टो को बार बार टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ घबराहट का एहसास उनके जहन में है, लेकिन जनता हमारे साथ है और बहुमत के साथ हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से हमारी कांग्रेस पार्टी के नौजवान उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार जी, और आज हमने इनके समर्थन में देवेंद्र यादव जी हम सब ने मिलकर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी है। अब समय कम रहा है, लेकिन आज जो उत्साह लिखा मुझे हमारे पदाधिकारियों के अंदर, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के अंदर, वो बड़ा संतोषजनक है। अगले 9-10 दिन तक लगातार हमारी पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, और मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं है कि इस सीट पर, इसके अलावा बाकी जो 6 सीटें हैं, लगातार हमारे उम्मीदवार गठबंधन के आगे बढ़ रहे हैं, कि यहाँ पर भारी बहुमत के साथ कन्हैया जी चुनाव जीतेंगे। ऐसा मैं मानता हूँ कि प्रत्येक नौजवान, हर वर्ग, हर मजहब के लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और हम पार्टी ने बड़ा सोच समझ कर इनको उम्मीदवार बनाया है। उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा, गठबंधन को मिलेगा, और जो देश में परिवर्तन की धीमी धीमी हवा चल रही है वो गति पकड़ती जा रही है। 4 चरणों के बाद भाजपा दावे कुछ भी करे, लेकिन इंडिया और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा पिछड़ रही है, इसीलिए उनके वक्तव्य जो हैं अब अलग अलग तरह के आ रहे हैं। पहले 300-400 के पार की बात करते थे, अब वो कांग्रेस को, कांग्रेस के इतिहास को, हमारे मैनिफेस्टो को बार बार टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ घबराहट का एहसास उनके जहन में है, लेकिन जनता हमारे साथ है और बहुमत के साथ हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे।